हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में परफेक्ट सादा पुलाव या प्लेन पुलाव बनाने की रेसिपी। आप सभी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि पुलाव सही नहीं बन पाती है और उसमें प्रॉपर मेजरमेंट से पानी कैसे डालें कि वो अच्छा उतरे, खिला खिला सा परफेक्ट पुलाव बने। तो आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसमें मैं सारी बातें आपको बताऊँगी जिससे आप बेहतरीन पुलाव बनाकर तैयार कर पाएंगे और इसे आप चिकन करी के या मटन करी के साथ में सर्व कर सकते हैं। चलिए कैसे बनाना है इसे सीख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चावल पुलाव बनाने का आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने जो आज राइस ली है वो है बासमती की रॉ राइस और इसे मैं 3 कप ले रही हूँ। बड़े कप से अराउंड यहाँ पे मैं 600 ग्राम चावल ले रही हूँ। और यहाँ पे आप चाहें तो गुलाब खास या कामनी चावल या फिर कोई और बासमती की जो शॉर्ट ग्रेन वाली चावल आती है उससे भी ये पुलाव बना सकते हैं। सबसे पहले चावल को आप एक किसी बर्तन में निकाल लीजिए और इसे अच्छे से वॉश कर फुला कर रख दीजिए भिगोने के लिए। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैंने 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें मैं 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ और बस इस प्याज को हमें बहुत अच्छा सुनहरा होने तक भून लेना है। यहाँ पे सबसे पहले पुलाव बनाने के लिए उसमें प्याज फ्राई करके रख लेते हैं हम लोग। तो इस तेल में आपको प्याज बिल्कुल सुनहरा होने तक फ्राई करना है, याद रहे जलना नहीं चाहिए। तो पुलाव बनाना थोड़ा टास्क का काम है, यहाँ पे सबसे पहले प्याज अच्छा उतरना चाहिए। तो देखिए प्याज बिल्कुल अब अच्छा सुनहरा होने लगा है। इसी टाइम पे फ्लेम ऑफ कर आप इसको निकाल दीजिए और किसी प्लेट में साइड में रख दीजिए। और अब वापस से बचे हुए तेल में हमें खड़े मसाले डालने हैं। तो खड़े मसाले डालने के लिए 1 बड़े चम्मच मैंने शाही जीरा, 4 हरी इलायची, 4-5 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। बस ये सारे खड़े मसाले हमें क्रैकल कर लेने हैं इसमें और इसके साथ ही 1 तेज़पत्ता डाल रही हूँ मैं इसमें। और अब मैं सारा वॉश करके भिगोया हुआ चावल पानी हटाकर इसमें डाल दे रही हूँ। पानी को निथार कर डालिएगा और इस तरह से हमें अभी तड़के वाले तेल में जिसमें हमने खड़े मसाले तड़काए हैं उसमें इस चावल को बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। तो फ्लेम अभी यहाँ पे हाई रखिएगा, वरना अगर आप पानी के साथ में इसमें चावल ज़रा सा भी आ गया है तो मॉइस्चर बहुत सारा हो जाता है, इसीलिए पानी बिल्कुल हटा कर डाल लें। इसीलिए यहाँ पे पानी से चावल बिल्कुल निधार कर डालिएगा वरना इसमें मॉइस्चर रह जाएगा। और तेज़ आंच पे इसे बिल्कुल अच्छे से भून लीजिए। तो यहाँ पे तकरीबन आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसमें जो भी मॉइस्चर रहेगा उसको ड्राई करने में। अच्छे से भूनने के बाद में आपको पानी गर्म कर साइड पर ही रख लेना है। कप से मैंने चावल 3 कप लिया था और जो बोल में मैंने चावल निकाला था वो पूरा फुल हो गया था। तो उस तरह से 1 बड़े बोल से 2 बोल यहाँ पे पानी जाएगा। तो जस्ट डबल डालते हैं हम। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए चावल भिगोते हैं या फिर चावल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी राइस आप ले रहे हैं, नया पुराना चावल भी होता है, उससे भी क्या होता है कि पानी को हमें अंदाज से डालना रहता है। तो बस यहाँ पे पानी मैंने इतना डाल दिया है और डालने के बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक 2 बड़े चम्मच डाली है मैंने और मैं बिल्कुल 1/4 चम्मच इसमें शक्कर डाल रही हूँ। यहाँ पे ये शक्कर ऑप्शनल है लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। मैं डालती हूँ यहाँ पे बिल्कुल 1/4 टीस्पून डालना है, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा मीठा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिला दिया है, लिड से कवर कर दिया है और अब 5 मिनट बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे चावल बिल्कुल अच्छे से पक रहे हैं। बिल्कुल भी स्टर नहीं करना है अभी, वापस से लिड से कवर कर 7 मिनट तक हमें इसे कुक कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे 7 मिनट हो चुके हैं और पुलाव बहुत मज़े से हमारी कुक हो रही है। देखिए मैंने बिल्कुल भी इसको डिस्टर्ब नहीं किया है और अब लास्ट में जब ये अच्छे से पक गई है, यहाँ पे मॉइस्चर कम है, तो इसे एक बार हमें लास्ट में अलट पलट करना है। ऐसे कोई स्पून से नहीं करें जो इसका शार्प एंड हो, बिल्कुल ऐसे स्पैचुला से इस तरह से मिलाएं जिससे बहुत अच्छे से ये ऊपर नीचे हो जाए। और उसके बाद में थोड़ा सा हमें फूड कलर लेना है जिसको क्योरा और पानी के साथ में घोल लेना है और इसके साथ ही यहाँ पे डाल दिया है मैंने। और जो प्याज हमारी तली हुई थी वो पूरा ऊपर से हमें लगा देनी है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। एक तली हुई प्याज का सौंधापन होता है जो पुलाव में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लिड से कवर कर अब हमें 5 मिनट के लिए इसे दम पे रखना है, यानी कि धीमी आँच पर पकाना है। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह हमारी पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये बहुत अच्छी बनी है। बहुत डिफरेंट और अनोखे फ्लेवर्स के साथ में हमारी ये बेहतरीन पुलाव, सादा पुलाव या प्लेन पुलाव या खुस्का बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। ये प्लेन ही बनाई जाती है और इसे सर्व किया जाता है किसी भी ग्रेवी या करी वाली डिश के साथ में। मटन की करी बना रहे हैं, मटन कौरमा बना रहे हैं, चिकन कौरमा या चिकन करी बना रहे हैं, उसके साथ में ये इस पुलाव को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। मैंने आप सभी के साथ में वेज पुलाव या वेजिटेबल पुलाव की भी रेसिपी शेयर की थी जो कि आपको अच्छी लगी। तो बस इस तरह से ये सादा पुलाव की रेसिपी भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी उतरेगी और बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। एक बार ज़रूर बनाएं, कैसी लगी बिल्कुल नाप कर पानी डालिएगा तो आपके भी बिल्कुल परफेक्ट खिले खिले हुए चावल उतरेंगे जो कि बहुत अच्छे लगेंगे।
तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आई होगी, प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करकर। वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो एक बार इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करते के साथ ही बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट, सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगी। तो चले फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम एक नई इंटरेस्टिंग और बेहद आसान रेसिपी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।